इनके मन में कब जिहादी बीज और कब इनका ब्रेन वॉश हो जाए ये आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जब इनको बिल्कुल, एक तो इन पे वहां ध्यान कोई नहीं देता है। हाँ। ये आप एक बार, मैं बहुत पहले जेएनयू गई थी, आई वॉज क्वाइट यंग एंड मैंने वहां देखा कि लोग अपने अपने चार चार ग्रुप में बातें करते हैं। हाँ। उनके अपने अजीब से एक टॉपिक्स डिस्कशन होते हैं जो आम आदमी को समझ में ही नहीं आए क्या हो रहा है। वो एक होता है ना अच्छी मच्योर बातें, एक होता है कि इस दुनिया से परे उनकी बातें चल रही होती थी। हाँ। तो तब तो इतनी हमें समझ नहीं थी, वी वर इन स्कूल की, हमें पता नहीं था। लेकिन अब मैं वो बातें सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है वो किस टाइप की बातें थी। वो इसी टाइप की बातें होती है, ये देश विरोधी बातें करते हैं। और जो आपको तो सामने दिखाई दे रहा है, आपको प्रोनंसिएशन से पता चल जाएगा कि ये इस जमात का बोल रहा है या उस जमात का बोल रहा है। अनुजात्री साहब, अब आप जवाब दीजिए एक फाइनली आप और लास्ट में एक और चीज। आजकल इंटरनेट का माध्यम ऐसा है कि आईसीएस की भर्तियां भी हो रही हैं, आपको पता है। अभी कुछ एक साल पहले की बात है, आई वाज इन हैदराबाद ओनली, मैंने देखा कि वहां से सारे टिबेट वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले छोड़ के जा रहे हैं। और उनको बैंगलोर में एक अफवाह उड़ गई थी इंटरनेट के माध्यम से, पोस्ट डाल दी थी किसी ने कि हम तुमको कार्ड देंगे, इंशाल्लाह तुम्हारा खून बहेगा। हाँ। तुम हमारे हम जैसे नहीं लगते, तुम चाइना का माल हो, तुम यहाँ से चले तो जाओ। इस तरह के वहाँ पर भी तो बाद में ये पता चला, ये जो था वो बर्मा का लिया गया था फोटोज वगैरह एंड उसको डाला गया था। हाँ। और ये पाकिस्तान से किसी ने अपलोड करा था, वो हमारे लोग हैं। अनुजात्रे साहब, वो हमारे लोग हैं, एक जवाब हमसे अलग करने की साजिश थी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह जब ये कहते हैं कि उन्हें जानकारी मिली है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसके पीछे हाफिज सईद का हाथ है, लश्कर ए तैयबा का हाथ है, फिर भी आप उसको लेकर उनसे सवाल करते हैं कि आपने गलत तरीके से है, आप सबूत पेश कीजिए। अब क्या जो सुरक्षा के मानक हैं, जो सुरक्षा की व्यवस्था है, उसको भी सार्वजनिक कर दिया जाए आप लोगों की मांगों को सामने रखते हुए? एक इस बात का जवाब दे दीजिए। हमारी मांग नहीं थी, गृहमंत्री जी ने किसी हमारी मांग पर नहीं है बयान दिया था, उन्होंने स्वतः ही यह बयान दिया है जो कि उनको इस प्रकार से इतना, लेकिन अब आप लोग सबूत देश की जनता के सामने इतनी बड़ी आईबी की सूचना के तो उन्होंने दिया नहीं होगा। और हर बात पब्लिक में बोलनी भी नहीं चाहिए। मेरे पास वक्त कम है, और प्राची फाइनल कमेंट अनुजात्री जी से कि आपका स्टैंड क्या है, आपकी राष्ट्रवाद की व्याख्या क्या है, और ये गृहमंत्री से जो आप सबूत मांग रहे हो किस आधार में आ रहा था, तो इनको स्पष्ट कर देना चाहिए था कि किस आधार पे उनके पास आया है। और क्या इसका मतलब वो अपनी विफलता का बखान कर रहे हैं, खुद ही बयान कर रहे हैं कि देश में जो है लश्कर ए तैयबा आकर के हमारे जो है एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में इतना बड़ा वो करने जा रहे हैं, तो आपकी जो है आंतरिक नहीं पॉलिटिक्स की बात नहीं है। आप ये बताइए, आप गृहमंत्री होने के नाते अपनी विफलता आप खुद दर्शा रहे हैं। आपने इन्फॉर्मेशन शुरुआत से आपकी मंत्रालय के साथ खड़े हैं, आपने कहा कि दमन जहां होगा वहां हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि दमन किस तरह का। आपके मंत्रालय की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी जो वो अब बता रही है इसको? आपके नहीं, हमारे, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी से पूछ रहे हैं। तीनों का, अनिला जी अब हमारे साथ नहीं है, वो जा चुकी है, अनिला जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्राची जी शुक्रिया आपका, अनुजात्री साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ आने के लिए। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड जस्ट का तस बना है कि हम तो दमन के खिलाफ है, लेकिन उन्हें दमन की व्याख्या बता देनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। के वास्ते शहीदों के कफन ना बेच देना।